अब हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ाएंगे, हड्डियां, ठीक है, हड्डियां तोड़वाऊंगी तुम्हारी हड्डियां, और लाते हैं पड़ेंगी तुम्हें तो क्या, तो क्या करोगे, हड्डियां तोड़ोगे, तेरी हड्डियां, हड्डियां, हड्डियां तुड़वा दूंगी, हड्डियां लातें पड़ेंगी, हिम्मत कैसे हुई, अपने हिसाब से देख लूंगी। ये पूर्वांचल पर बनी वेब सीरीज में किसी बाहुबली के डायलॉग नहीं है, ये कथित धमकियां विधायक अदिति सिंह की हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ गुंडों और दबंगों को चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही विधायक पर सरेआम गुंडागर्दी करने के आरोप लग रहे हैं। मैं फिर कहूंगा ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। अब हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ाएंगे, हड्डियां, ठीक है, हड्डियां तोड़वाऊंगी तुम्हारी हड्डियां। पिछले कई दिनों से रायबरेली की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक अदिति सिंह का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर इस ऑडियो में जरा सी भी सच्चाई है तो ये कुर्सी की हनक नहीं तो फिर और क्या है। हत्या हत्या हत्या, ये सरासर गुंडागर्दी नहीं तो फिर और क्या है। और लाते हैं पड़ेंगे तुम्हें तो क्या करोगे, ये बदतमीजी नहीं तो फिर और क्या है। ऑडियो क्लिप में अदिति सिंह कथित तौर पर एक शख्स को धमकाती हुई सुनाई दे रही हैं। कांग्रेस के रास्ते बीजेपी पहुंची अदिति सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फोन पर युवक की हड्डियां तोड़वा देने की धमकी दी। आरोप है कि अदिति सिंह की मां ने रायबरेली के लालूपुर गांव में एक शख्स को काम दिया था। काम पूरा न होने पर अदिति सिंह ने खुद युवक को फोन किया। फोन पर दोनों तरफ से क्या बहसबाजी हुई पहले वो सुनिए। अदिति सिंह बोल रही हूँ, सदर विधायक। हाँ हाँ, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माता जी से बदतमीजी करने की? भाई देखो, इज्जत में दोगे तो इज्जत मिलेगा, ठीक है। और क्या ऐसी बात है, लाते पड़ेंगे तुम्हें तो क्या करोगे, क्या क्या लाते पड़ेंगे अब जब तुम्हें तो क्या करोगे। लालूपुर में किसी की नहीं है, ठीक है, बड़ी औकात लालूपुर में किसी की नहीं है, जिसकी माँ की दूध पी वो आके लड़ लगी। टाइम्स नाउ नवभारत हालांकि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हो सकता है कि आज के समय की टेक्नोलॉजी में ये ऑडियो मॉर्फ भी किया गया हो, हो सकता है कि ऑडियो का सिर्फ एक हिस्सा काट छांट कर पेश किया गया हो, इसीलिए ऑडियो की फॉरेंसिक जांच होना भी बेहद जरूरी है। पर अब क्योंकि ये ऑडियो सोशल मीडिया के जरिए तैरता हुआ सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है तो इस पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक ऑडियो के आधार पर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पर धमकी वाले इस ऑडियो में अगर 1% भी सच्चाई है तो अदिति सिंह के ऊपर जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे ही। कथित ऑडियो के अगले हिस्से में अदिति सिंह युवक की हड्डियां तोड़वाने की धमकी देती सुनाई दे रही हैं। अब हम तुम्हारी हड्डियां तोड़वाएंगे, हड्डियां, ठीक है, हड्डियां तोड़वाऊंगी तुम्हारी हड्डियां, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। अच्छा वो तो करूंगी, तुम्हारी हड्डियां तोड़वाऊंगी, समझे तुमने, हड्डियां, ठीक है, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। हाँ वो तो उखाड़ेंगे, वो तो उखाड़ेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी ऐसी बात करने की है। हम आपसे थोड़ी बात कर रहे हैं, हमने तो बुलाया नहीं आपको, हमने मना कर रहे थे। 12 बजे चाची का परसों फोन आया था, ठीक है, रात में, तभी मैंने मना किया था कि चाची अभी मत आइए, पिताजी की तबीयत सही नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती की, ठीक है, मेरे पिताजी की तबीयत सही नहीं है, मैंने शुरू से। अब कुछ नहीं कह रहे, कोई बात नहीं, तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए थी, तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए थी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए थी। तो तमीज से बात किया था इन्होंने, लेकिन हड्डियां हड्डियां। साफ है कि बहस दोनों तरफ से हो रही है, पर नेता और जनता में फर्क होता है। संवैधानिक पद की अपनी गरिमा और अपनी पाबंदियां होती हैं। राजनीति का खेल परसेप्शन का खेल होता है, मैसेजिंग का खेल होता है, नाम और रसूख बनाने में सालों लग जाते हैं पर उसे खत्म होने में महज चंद सेकंड। इसीलिए जब अदिति सिंह कथित तौर पर हड्डियां तोड़वा देने की धमकी देती है, मारपीट करने की बात करती है,
और पलटकर सामने से जवाब भी सुनती है तो इससे सिर्फ उनका नाम और उनकी गरिमा ही खराब होती है। इस ऑडियो के बारे में अदिति सिंह का क्या पक्ष है, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने अदिति सिंह से संपर्क भी किया, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ाएंगे, ठीक है, हड्डियां तोड़ाऊंगी तुम्हारी हड्डियां, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। अच्छा वो तो करूंगी, तुम्हारी हड्डियां तोड़वाऊंगी, समझे तो मैंने, हड्डियां जो उखाड़ना उखाड़ लेना। हाँ हाँ वो तो उखाड़ेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ती है ऐसी बात करने की है। पूरे ऑडियो को यूपी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया और लिखा, भाजपा सरकार में सचमुच गुंडाई का लाइसेंस बटा हुआ है, जिसके सहारे इनके हर कार्यकर्ता गुंडाई की जुबान बोलने लगे हैं। विधायकों को तो ये लाइसेंस बांटने का टेंडर मिल गया है, भाजपा वाले अपने लिए गुंडाई को कानूनी दर्जा दे लें बस, क्योंकि सरेआम गुंडाई करने में इन्हें कोई संकोच तो है नहीं। समाजवादी पार्टी अब सवाल उठा रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपनी विधायक पर बुलडोजर कार्रवाई करेंगे, वहीं बीजेपी इस पूरे मामले से बचती नजर आ रही है। देखिए कोई पहली घटना नहीं है आदित्य सिंह की, ये पहला कोई ऑडियो उनका भी नहीं है, पहला कोई वीडियो भी नहीं है जिसमें वो गैर कानूनी तरीके से असंवैधानिक तरीके से लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। उनका जो व्यवहार है वो एक जनप्रतिनिधि का जैसा व्यवहार नहीं है, उनको अपने व्यवहार पे सोचना चाहिए कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जिम्मेदार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के कारण उनका व्यवहार बदल गया हो। देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे पिक्चर्स इस प्रकार के वायरल हो जाते हैं जिनका सत्यता से सरोकार नहीं होता है, इसलिए इस तरह का कोई वीडियो या कोई फोटो जब भी वायरल होता है तो उसकी पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है। जब तक इसकी पुष्टि न हो जाए, इसकी फॉरेंसिक जांच न हो जाए, तब तक मुझे लगता है किसी को आरोपित किया जाना बहुत ठीक नहीं है। अदिति सिंह के वायरल वीडियो क्लिप के बारे में रायबरेली की जनता के विचार भी बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि विधायक का बयान बिल्कुल गलत है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच होनी चाहिए। जो उनके शब्द थे वो ना तो विधायक की हैसियत से वो समझ में आ रहे हैं, वो एक आम जनता से भी पावत्तर और एक गरीब जनता के झोपड़ियों के बीच में जाकर असहायों की बात सुनना, कैसे तुम उनकी बात सुनोगे? तुम्हारे शब्द जब ऐसे होंगे कि हड्डियां तोड़वा देंगे, कौन सा वो गरीब जनता जो तुम्हें वोट देकर अपना विधायक चुनेगी? यही इस भाषा के अलावा भी कोई उम्मीद करते हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश में खासतौर से भाजपा के किसी व्यक्ति से? और इनका तो विरासत, इनकी विरासत भी यही है और इनका अस्तर भी यही है। पहली चीज़ तो ये जाँच का विषय होना चाहिए कि वो आवाज़ उन्हीं की है, विधायिका जी की ही है, क्योंकि आजकल मिमिक्री आर्टिस्ट इतने हो गए हैं कि वो किसी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। हमको तो विधायिका सभ्य लगती हैं और ऐसा कुछ हमारे ख्याल से लगता नहीं। अगर किसी कारणवश कोई ऑडियो जैसे जिस टाइप का सुनाई पड़ा है उस टाइप से उसमें आधा अधूरी बात भी हो सकती है, जैसे कोई आदमी हामी को गाली देने लगे उसके बाद हम अगर उसको रिएक्शन में कुछ कहें तो हमारा गाली दिखा दिया गया और जिसने हमको कुछ कहा उसने नहीं सुनाया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अदिति सिंह विवादों में रही हो। अदिति सिंह नवंबर 2021 को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्हें कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद अदिति ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2022 में अदिति सिंह बीजेपी की टिकट पर रायबरेली सदर से विधायक बनी। कांग्रेस में रहते हुए अदिति को गांधी परिवार का करीबी भी कहा जाता था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनके नजदीकी संबंध थे। कई मौकों पर वो राहुल गांधी के साथ भी नजर आईं। यही वजह थी कि एक समय पर राहुल से तो उनकी शादी की अफवाहें तक उड़ने लगी। इन अफवाहों पर तब ब्रेक लगा जब अदिति ने राहुल गांधी को अपना राखी ब्रदर बताया, पर राखी ब्रदर से दूरियां इस कदर बढ़ी कि अदिति सिंह मीडिया में राहुल गांधी का मखौल उड़ाने लगी। उन्होंने दावा किया कि 2017 में जब वो राहुल गांधी से पहली बार मिली तो राहुल को ये तक नहीं पता था कि यूपी में कांग्रेस के कितने विधायक हैं। So he's like completely clueless. So how many MLAs do we have in UP now? You know? And I was like, so 7, you know? And he threw his head back and laughed. And I was like, he doesn't know. He doesn't know and he's laughing. Can you imagine that happening in the BJP? 2019 में अदिति सिंह ने पंजाब के कांग्रेस विधायक अंगद सिंह से शादी की, पर ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सका। 2023 से दोनों अलग अलग रहने लगे
और इसके कुछ समय बाद ही दोनों ने तलाक भी ले लिया। अदिति और अंगद दोनों ही बड़े राजनीतिक घरानों से हैं। अदिति के पिता अखिलेश कुमार सिंह 24 साल तक विधायक रहे, जो कि लगातार पांचवी बार विधायक चुने गए। तो वहीं मैं अंगद की बात करूं तो अंगद के दादा दिलबाग सिंह नवाशहर से 6 बार विधायक चुने गए। यही नहीं, अंगद के माता और पिता भी एक एक बार विधायक रहे हैं। बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद से ही समय समय पर अदिति सिंह कांग्रेस के अंदर खाने के राज खोलती आई है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के समय अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। अदिति ने दावा किया था कि प्रियंका गांधी ने उनके पूर्व पति को टिकट के बदले उनके चरित्र के बारे में नकारात्मक बातें करने के लिए कहा था। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया, एट दैट पॉइंट माय हस्बैंड एट दैट टाइम अंगद वाज सपोर्टिव। भाई तुम्हारा अपना प्रोफेशन है, करियर है, स्टेट है और मेरा अपना है। What happened towards the end, during ticket distribution, me ticket ho gayi thi, I was preparing, Priyanka Gandhi says to my ex-husband, say all these nasty things about her, charitra par, theek hai na, about, you know, how she is and this and that, and I'll give you a ticket. And if you don't, I'm not going to give you a ticket. यही आरोप अदिति सिंह ने 2022 में पंजाब चुनावों के समय भी लगाया था कि प्रियंका गांधी ने जानबूझकर उनके पति का टिकट काटा। इस पर प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया कि अदिति सिंह अभी बच्ची हैं। देखिए, अदिति सिंह के पिताजी अखिलेश सिंह जी जब बीमार थे मेरे से मिलने आए और उन्होंने कहा कि अदिति का देखभाल करिए, उसका ध्यान रखना। तो मैंने अदिति का ध्यान रखा और जब पार्टी में होते हुए भी पार्टी के खिलाफ गतिविधियां की तो मैंने कुछ नहीं कहा। अब ये सब जो बयान दे रही हैं, ये बच्ची है, मेरे से अभी नौजवान है, मेरे ख्याल से विवेक आएगा। अदिति सिंह का हड्डियां तुड़वाने वाला कथित ऑडियो क्लिप जब से वायरल हुआ है तब से उनसे जुड़े पुराने विवादित किस्सों की चर्चा भी होने लगी है। 2022 में अदिति सिंह पर आरोप लगा कि रायबरेली लखनऊ प्रयागराज हाईवे के पास उन्होंने करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया। शिकायतकर्ताओं ने खुले तौर पर विधायक अदिति सिंह पर उनकी जमीन जबरन कब्जाने का आरोप भी लगाया। मेरी जमीन को अदिति सिंह और उनके लोग और प्रशासन का सहारा लेके हमारी जमीन कब्जा कर लिए। अदिति सिंह के लग्गू भग्गू अदिति सिंह खुद आई बनावा जबरदस्ती, हम विधायक हैं, हमें अंडर में पुलिस दरोगा है, हम करब जबरदस्ती करब। आपकी जमीन क्या है? हम ये जमीन मेरी है, ये सामान मेरा पड़ा, ये दुकान मेरी है। इनके खातिर वोट मांगे, सुबह शाम तक का वोट मांगते हैं कि ये विधायक बन जाए, यही बेईमानी करे खातिर हमारे घर में। जी, हमारी जमीन है सुरेश के बगल में, भगतपुरम के सामने, उस पर अदिति सिंह बैठ के अवैध निर्माण कराए, कल गेट लगा के उसमें ताला लगा दिया। हम लोग इतना चिल्लाते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगस्त 2020 में अदिति सिंह की दादी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। अदिति सिंह की दादी कमला सिंह ने दावा किया कि अदिति के पिता अखिलेश सिंह की मौत के बाद अदिति और उनकी बहन उन्हें प्रताड़ित करती हैं। संपत्ति के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया है। अदिति सिंह जहां से विधायक हैं वहां से उनके पुराने राखी ब्रदर यानी राहुल गांधी सांसद हैं। अदिति सिंह के वायरल बयान के बाद कांग्रेस को मौका मिला कि वो बीजेपी पर हमलावर हो सके। अब हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ाएंगे, हड्डियां, ठीक है, हड्डियां तोड़ाऊंगी तुम्हारी हड्डियां। इस पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है ये तो ऑडियो की जांच और इसकी सत्यता का पता लगाने के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।